हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल साइंस बाय धर्मेंद्र पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, अपन बात करते हैं जो BSTC का एग्जाम होने जा रहा है, प्री BSTC 27-28 अगस्त को है। ठीक है, डेट याद रखनी है भाई साहब, नींद नहीं आनी चाहिए अब। ठीक है, एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक में। आप सोच रहे होंगे कि एग्जाम छोटा सा है, 12th का दे दिया है, उस प्रकार से उठ कर चले जाएंगे, देख के आ जाएंगे। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, एग्ज़ाम को काफ़ी ज़्यादा सीरियस लेना है, क्योंकि इसी एग्ज़ाम के अंदर वही लड़के शामिल होंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ एक बात, वही लड़के शामिल होंगे। कौन से? जो काफ़ी लंबे समय से राजस्थान की जो भर्ती हैं, वैकेंसी हैं, उनकी तैयारी कर रही है, और किसी न किसी प्रकार से उसका या दुर्भाग्यपूर्ण उसका किसी वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ हो, तो वो क्या करेंगे, हारने के बाद में क्या करेंगे, एक अंतिम दाव और लगाएंगे, और किसकी ओर कदम रखेंगे, BSTC की ओर कदम रखेंगे, और इस एग्ज़ाम के अंदर क्या करेंगे, वो टॉप करने की कोशिश करेंगे, टॉप नहीं तो वो कॉलेज फाइट करने की कोशिश करेंगे, और टीचर बनने की लालसा रखेंगे। ठीक है, थैंक यू। एक बार फिर से अपन इस चैनल के अंदर अपन बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है उनकी अपन बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो सवाल है जो राजस्थानी जीके का है, किसका है? राजस्थान जीके का। ठीक है, ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी सवाल सिलेक्टेड है, आप सभी को इन सभी जो सवाल जो मैंने बताए इनको सीरियसली लेना है। और जो सवाल मैं कहाँ से बना रहा हूँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि मैं जो सवाल कहाँ से लेके आ रहा हूँ वो पोर्शन तो आपको कम से कम याद होना चाहिए। ठीक है, क्लियर करते हैं। सबसे पहले छोटे छोटे जो सवाल है इनकी बातें अपन क्लियर करते हैं। देखिए भाई, अपन बात करते हैं किसकी, अपन बात करते हैं देखिए कि बसंतगढ़ शिलालेख के अनुसार, जो बसंतगढ़ शिलालेख है ये सिरोही के अंदर स्थित है। ठीक है, बसंतगढ़ शिलालेख के अनुसार राजस्थान का जो प्राचीन नाम क्या था? तो बसंतगढ़ शिलालेख के अनुसार राजस्थान का प्राचीन नाम क्या था भाई? राजस्थान आदित्य था। क्या था? राजस्थान आदित्य था। ठीक है, रामायण के अंदर ऐसे बोल सकते, रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने। तो वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी थी उसके अंदर राजस्थान के लिए मरु कालांतर शब्द काम में लिया था। ठीक है, मरु कालांतर कौन सा? रामायण जब आप पढ़ोगे तो वहां पर राजस्थान के लिए आपको एक शब्द मिलेगा बार बार, कौन सा? मरु कालांतर। ठीक है, राजस्थान शब्द या राजस्थान शब्द कर्नल जेम्स टोड ने यूज में लिया था। ठीक है, इसके बाद में राजस्थान द्वितीय किसके अनुसार? बसंतगढ़ शिलालेख के अनुसार। ठीक है, राजपूताना जो शब्द है ये जोरस थॉमस ने दिया था। ठीक है, जो किस प्रकार का था? मौखिक रूप से था। ठीक है, किसने दिया था? जोरस थॉमस ने। क्लियर है ये सवाल? क्लियर हो गया होगा सब चारों शब्द। इसके बाद अपन नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, किसकी? नेक्स्ट जो सवाल अपना अगला जो सवाल है इसकी अपन क्या करें, बात करते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए दोस्त, दो नंबर सवाल है, राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार कितना है? आप जानते हो कि जो ऊपर से जो जो खड़ी लाइन है इसको बोलते हैं देशांतर, जो अक्षांशीय रेखा, कौन सी? अक्षांशीय रेखा। देखो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है, जो कर्क रेखा से उत्तर की ओर नहीं दक्षिण से शुरू होता है, कर्क रेखा से दक्षिण से, मतलब 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होता है। ठीक है, और 30 डिग्री 12 मिनट तक चलता है। इन दोनों का आप जब अंतर निकालोगे तो अंतर कितना आएगा? 60 डिग्री 9 मिनट आ जाएगा। ठीक है, ये राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा कितना है? 60 डिग्री 9 मिनट। क्लियर है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पर जो राजस्थान के अक्षांशीय देशांतर जो विस्तार है उनको भी याद रखना है। ठीक है, ये तो आपको क्या है, ध्यान रखना, अंतर आएगा। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं जो देशांतरी विस्तार है वो कहाँ से शुरू होता है? उत्तर से, जो सॉरी पूर्व से, पूर्व की ओर चलता है राजस्थान के अंदर। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, 3 नंबर सवाल। देखो ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर प्रकार के एग्जाम के अंदर आ रहा है, आपको इस सवाल को 1% भी हल्के में मत लेना है। निम्न में से आंतरिक प्रवाह की नदी है? एक तो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, एक क्वेश्चन क्या, निम्न में से आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके ऑप्शन में 3 नदी दी जाएगी वो तो आंतरिक प्रवाह की होगी, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो क्या होगा, आंतरिक प्रवाह का भाग नहीं होगा। तो इसमें अपन बात करते हैं कौन सी, मसूरी नदी। देखो मसूरी नदी किसका नाम है? ये वही नदी है, कौन सी? कातनी नदी। आपको कन्फ्यूज हो गई है, आप कन्फ्यूज हो गए, कातनी या काकनी नदी कौन सी है? काकने नदी, जो भुज झील जैसलमेर को पानी देती है, उसका स्थानीय भाषा में नाम क्या है? मसूर नदी। तो इसका मतलब मसूर नदी कौन सी है? आंतरिक प्रवाह की नदी है। कांतल नदी जो कहाँ से निकली है? खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से निकली कांतल नदी। ठीक है, और अंत में मंडला झुंझुनू में जाकर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो ये भी कौन सी नदी होगी? ये भी आंतरिक प्रवाह की नदी हो जाएगी। ठीक है, मेन्था रूपी, कौन से? मेन्था नदी। मेन्था नदी कहाँ से निकलती है? मेन्था नदी जो है ये, देखो ये जो सांबर झील है
उसको पानी देती है, किसको? सांबर झील है उसको पानी देती है, ठीक है। इसका मतलब ये भी आंतरिक प्रवाह की नदी होगी, रूपारेल नदी। कौन सी नदी? रूपारेल नदी। ये भरतपुर दुर्ग को पानी देती है, तो इसका मतलब ये भी आंतरिक राजस्थान के अंदर ही समाप्त हो रही है, तो भी ये भी राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदी हो जाएगी। और चौथा जो पांचवा ऑप्शन है वो चंबल नदी। चंबल नदी राजस्थान से बहती हुई सबसे पहले एमपी से आती है, एमपी के बाद में राजस्थान में बहती है, राजस्थान के लास्ट जिला धौलपुर से होती हुई इटावा चल जाती है, इटावा के बाद में कहाँ पर निकलती है? जो यूपी से होती हुई किसमें गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चंबल नदी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है काका? मैं कौन? जब भाई आपकी नौकरी लग जाएगी। क्या होगी? एक बात सुनते, छोटी सी ट्रिक एक उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब क्या मिल जाएगी? आपकी नौकरी लग जाएगी, ठीक है। तो काका को कहेगी काका। प्राचीन काल में लोग क्या कहते थे अपने पापा को? क्या कहते थे? काका ही कहते थे। आजकल तो फादर साहब पापा का ही नाम है, लेकिन पहले अधिकांश लोग काका ही कहते थे, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है कि काका मैं, क्योंकि आप जब नौकरी लग रहे हो, घर से बाहर की ओर जा रहे हो, तो घर वालों की टेंशन होगी, फिक्र होगी कि बच्चा किसके साथ रहेगा, क्या खाएगा पिएगा, कहाँ पर रहेगा। ये छोटी मोटी बातें क्या है, पूछेगा। सीधी सी बात है, घर वाले अपने गार्जियन पूछते हैं तो अपन क्या जवाब देंगे। तो इसकी ट्रिक है कि काका मैं रूपनगढ़ में, काका मैं रूपनगढ़ में रूपा के साथ घूगरी बनाकर खा लूंगा। क्या भाई? कि काका मैं रूपनगढ़ में रूपा के साथ घूगरी बनाकर खा लूंगा। ये सभी राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। ये ट्रिक मैं बाद में लेके आऊंगा, एक शॉर्ट वीडियो होगा, ठीक है, 5-6 मिनट का वीडियो का। लेकिन जो ट्रिक की जो मैटर है वो अपन ट्रिक की मैटर की बाद में बात करेंगे, ठीक है। क्लियर है ये सवाल आपका? इसके बाद अपन नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। सवाल नेक्स्ट जो सवाल है, 4 नंबर जो सवाल आपका, इसमें बात करते हैं। देखो ये भी सवाल काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये भी क्या है, काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सी माही नदी की सहायक नदी नहीं है? इस नहीं को ध्यान रखना है। तो माही की सहायक नदियां कौन कौन सी है? सोजा, भाईला, आज, चुपचाप, ये सहायक नदियों की ट्रिक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? सोम, जाखम और कांत और चाप नदी। ये तो तीनों जो नदियां, ये किसकी है? ये माही की सहायक नदी है। और बच्ची कौन सी? कांदल नदी है, जो खंडेला की पहाड़ी या सीकर से निकलती है। ये किसकी है? ये राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदी है। आगे बात समझ में? तो इसका मतलब क्या है, ये किसकी सहायक नदी नहीं है? ये माही की सहायक नदी नहीं है। क्लियर यहाँ तक बात है, ठीक है। 4 नंबर सवाल क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट सवाल है, अपन बात करते हैं। देखो ये सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर प्रकार के एग्जाम में आए, मोस्ट लगा लेना इसको, ठीक है। अपन बात करते हैं बिसलपुर बांध कहाँ पर स्थित है? देवली टोंग के अंदर। कौन सी? जहाँ पर त्रिवेणी संगे डाई खारी बनास नदियों का, ठीक है। बिसलपुर बांध कहाँ पर है? देवली टोंग के अंदर स्थित है, जहाँ पर डाई खारी बनास का त्रिवेणी संगम है, ठीक है। यहाँ से देखो बिसलपुर बांध परियोजना निम्न में से कौन से जिले को पैदल के अलावा सिंचाई करने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका या पानी की पूर्ति करती है? मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिसलपुर बांध में से कौन सा ऐसा जिला है जो पैदल, मतलब पीने के पानी के अलावा, उस बांध से सिंचाई भी कर रहा है? तो कौन सा जिला ऐसा? देखो नागौर है, नागौर को सिर्फ पानी मिल रहा है भाई पीने के लिए, ठीक है। अजमेर है, अजमेर की ब्यावर और केकड़ी जो तहसील है, इनको भी पीने के लिए पानी मिल रहा है, ठीक है। टोंक है, टोंक एकमात्र ऐसा जिला है जो क्या कर रहा है, सिंचाई भी कर रहा है और साथ में क्या, पानी भी पी रहा है। तो मतलब पेयजल और सिंचाई दोनों क्षेत्रों के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। कौन सा? बिसलपुर बांध। शिक्र की इसमें कोई महत्वपूर्ण इश्यू नहीं है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? क्लियर है बिसलपुर बांध। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? टोंक हो जाएगा। क्लियर है? देखो नेक्स्ट बात करते हैं। इसके अलावा बंद बरेटा बांध कहाँ पर है भाई? बांध से इंपॉर्टेंट सवाल है, ज्योग्राफी के समथिंग आपके 15 से लेकर 18 सवाल आएंगे। बी स्टेशन वाले सुन लो कान खोल के, कितने आएंगे? 15 से लेकर 20 सवाल भी हो सकते हैं ज्योग्राफी के, क्योंकि ज्योग्राफी का वेटेज दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, कल्चर का भी वेटेज बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो हिस्ट्री है उसमें जो मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास है वो तो उसका क्रेज बढ़ता जा रहा है, और जो प्राचीन है जैसे कि राजा महाराजा है उनका क्रेज धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। लेकिन अपन बात करते हैं, सभी चीज़ें पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक। अपन बात करते हैं बंद बरेटा बांध। बंद बरेटा बांध कहाँ पर भाई? बंद बरेटा बांध कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर स्थित है। और कौन सी नदी पानी देती है इसको? कुकुंद नदी पानी देती है। कौन सी नदी पानी देती है? कुकुंद नदी पानी देती है, ठीक है। कौन सी नदी? कुकुंद नदी। बंद बरेटा बांध कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर। और कौन सी नदी पानी देती है? कुकुन नदी पानी देती है। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अपन कौन से सवाल की, 7 नंबर सवाल है। देखो 7 नंबर सवाल की बात करते हैं अपन। जंगली मुर्गी कौन से अभयारण्य के अंदर पाई जाती है? बहुत ही अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल इसलिए है क्योंकि हर एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला सवाल है। जंगली मुर्गी है, अमरतरी का पौधा है। कौन सा? अमरतरी। कौन से तरी? अमरतरी या अमरकरी का पौधा। विशेष प्रकार की घास कौन सी घास? कांगा घास है। विशेष प्रकार की छिपकली कौन सी? युबलकेरिस छिपकली। आदि प्रकार की जो प्रजातियां हैं और साथ में जंगली मुर्गी, ये कौन से अभयारण्य के अंदर पाई जाती है? ये माउंट आबू सिरोही के अंदर पाई जाती है। क्लियर यहाँ तक?
क्लियर है। माउंट आबू शीरो या बैरन के अंदर जंगली मुर्गी पाई जाती है, इंपॉर्टेंट सवाल है ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, ठीक है इसमें जिला पूछे ठीक है, इसमें सही आंसर कौन सा होगा। देखो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले की ट्रिक है क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या कौन से जिले में रह रहे, तो उसकी क्या हो जाए जानू, क्या इसका ट्रिक है जानू ठीक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या कौन से जिले में सबसे ज्यादा कहाँ पर है, जयपुर में, इसके अलावा जोधपुर के अंदर, इसके अलावा अलवर, फिर नागौर, फिर उदयपुर। पांचवा सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा जनसंख्या आधार पर, उदयपुर हो जाएगा। तो पहला कौन सा जयपुर, दूसरा कौन सा भरतपुर, तीसरा अलवर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, पहले वाला नहीं होगा। दूसरे वाला देखो अलवर भरतपुर सीकर, अलवर किस नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है, तो ये गलत हो गया ठीक है। इसके अलावा इसमें वरीयता पहले दे रखी, तो ये सही हो जाएगा। इसमें दो नंबर पर जोधपुर आ गया, तो ये भी गलत हो गया ठीक है। अलवर तीन नंबर पर, तो ये भी गलत हो गया, इसका क्रम चेंज कर दिया। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा इसमें, फिर आपका राइट आंसर इसमें नंबर दो ही होगा, कौन सा होगा, जयपुर, जोधपुर, अलवर। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद में अपन बात करते हैं जय समन झील, भाई साहब ये सवाल इंपॉर्टेंट है। अभी जो रिट है मेन्स का एग्जाम हुआ था L1 का, वेस्ट शिवालय आपके भी आएगा ये सवाल ठीक है। बाबा का बांकरा, राम प्यारी ठीक है, श्यामपुर, बाड़मेर, 1948 के अंदर निकाली गई थी, कौन सी नदी पानी देती है, ये सभी बातें आपको याद रखनी है ठीक है। अपन बात करते हैं किसकी, कौन सा है जय समंद झील, कौन सी झील, जय समंद झील कहाँ पर स्थित है, जय समंद झील कहाँ पर स्थित है भाई, उदयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है भाई जय समंद झील, उदयपुर के अंदर स्थित है ठीक है। नेक्स्ट अपन सवाल की बात करते हैं, देखिए ये सवाल है 10 नंबर सवाल, ये 2018 के अंदर जब राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ था, RP का मेरा सेंटर था कहाँ पर, बीकानेर के अंदर। जब मैंने इसका जो ये एग्जाम दिया था, तो पहली बार मैंने उस समय क्या 12th पास ही की कर रखी थी, और आप लोगों की तरह मैं भी हवाबाजी में था, पता ही नहीं चला मेरा सवाल गलत हो गया ठीक है। देखो इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है ठीक है, राजस्थान में जो प्रवेश कहाँ से करती है ठीक है। इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है राजस्थान में टिब्बी नामक स्थान हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है, लेकिन इसका जो सही जवाब कौन सा है, मसतावली हनुमानगढ़ से, मतलब हेड बनाया गया है एक, वहाँ से ये राजस्थान में क्या करती है एंट्री करती है। क्लियर है इंदिरा गांधी नहर परियोजना ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल की अपन बात करते हैं ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा कि देखो राजस्थान की सबसे प्राचीन नहर परियोजना कौन सी थी, सबसे प्राचीन मतलब पहले कौन सी आई थी, तो सबसे पहले एक जल्दीबाजी के अंदर क्या करते हैं अपन इंदिरा गांधी नहर परियोजना करते हैं, IGNP दिखी नहीं तुरंत आंसर चिपका देते हैं, ऐसी जल्दीबाजी नहीं करनी है, हड़बड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है, आराम से 1000 सवाल को पढ़ना है और सैन्य सैन्य आराम से क्या करना है उसको अटेम्प्ट करना है ठीक है। राजस्थान की सबसे प्राचीन नहर परियोजना कौन सी है, तो कौन सी है भाई गंगा नहर परियोजना, क्योंकि इसका जो शिलान्यास है वो कब किया गया था, 1921 के अंदर ही कर दिया गया था। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है, गंगा नहर परियोजना हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी भाई गंगा नहर परियोजना हो जाएगी। इसके बाद में जो शुभंकन वाला जो सवाल है, हर पेपर के अंदर छपने को दिख छप रहा है, हर पेपर में मिल रहा है, अभी हमारे भी रीट के अंदर आया था कि राजस्थान का जो जालौर जिला है कौन सा, जो हमारे आया था वो जालौर का पूछा था कि जालौर जिले का शुभंकरण है, तो जालौर कौन सा है भालू है, कौन सा है जालौर का भालू है, तो यहाँ पर कौन सा है अलवर का शुभंकरण है, कौन सा अलवर जिले का शुभंकरण कौन सा हो जाएगा, अलवर का क्या है सांबर है, आप ये मत सोच रहे सांबर जयपुर में पड़ता है, तो जयपुर की क्या है जयपुर का जो शुभंकरण सांबर हो जाएगा, नहीं भाई जयपुर का जो शुभंकरण क्या है, जयपुर का शुभंकरण क्या है चित्तल है भाई जयपुर का ठीक है, जयपुर का शुभंकरण क्या है चित्तल है, और अलवर का क्या है सांबर है ठीक है। मोर कहाँ का है, मोर कहाँ का है, मोर भीलवाड़ा का है, कहाँ का है जलपीपी, कौन सी पीपी जलपीपी, बांसवाड़ा का क्या है ये शुभंकरण है। क्लियर है, तो अलवर का शुभंकरण कौन सा हो जाएगा सांबर हो जाएगा, क्योंकि ये डाउट वाला सवाल है इसलिए मैंने इसको लेके आया ठीक है, मैं लेकर आया हूँ इसको ठीक है। इसके बाद में देखो नस्ल की बात करते हैं, जमुना पारी किसकी नस्ल है, जमुना पारी एक बकरी की नस्ल है, किसकी है बकरी की नस्ल, अपन बकरियों की जो नस्लें वो याद करेंगे, गाय की नस्लें मैंने ट्रिक में बताई थी, एक बार फिर से बताने की कोशिश करता है, मेम गाय का माता हरे नाग सा, आपको समझ में नहीं आएगी लेकिन ऐसे बोल देता हूँ ठीक है। भैंस की क्या है मुंह है मैं जापरी नाग सुमेर हो जाए, बकरी कौन सी है बकरी खरा सॉरी, बाप ने मासे से कहा कि सेक्का वाटे की लाज क्या है, अब वो चाहिए बकरी की नस्ल हो जाएगी ठीक है। भेड़ की नस्ल क्या है, भेड़ की नस्ल है खर्रा सोना मामा चौक में पूजे, इन सभी के ऊपर बात क्या करेंगे बाद में करेंगे ठीक है। इसके बाद में आपका सही आंसर कौन सा है, जमुना पारी बकरी को लेकर के, कौन सी है बकरी की नस्ल, याद रखना है इसको ठीक है।
क्लियर है। अब देखो देवताओं से काफ़ी ज़्यादा जो कल्चर है इनके भी सवाल आ रहे हैं, तो कल्चर को भी अपने विशेष वरीयता दे रखी है, ऐसे नहीं कि हवाबाजी के अंदर काम करे। देखो कपिल मुनि का मेला कब लगता है, कब नहीं कहाँ पर लगता है, कब लगता है भाई? कपिल मुनि का मेला जो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, कब लगता है भाई? कार्तिक जो पूर्णिमा है इसको कपिल मुनि का मेला लगता है। कहाँ पर लगता है? कोलायत बीकानेर के अंदर। और ये मेले की सबसे ज़्यादा खास विशेषता ये है कि इसमें संघ के संप्रदाय के लोग भाग लेते हैं। कौन से संप्रदाय? संघ के संप्रदाय के लोग इसमें सबसे ज़्यादा भाग लेते हैं, ठीक है। संघ के संप्रदाय के प्रवक्ता के ये मेला है, ठीक है। संघ के संप्रदाय को समर्पित एकमात्र मेला कौन सा है? कपिल मुनि का मेला। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर बहुत सारी मात्रा में क्या किया जाता है? दीपदान किया जाता है, मतलब दीपक जलाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर है बात है। इसके बाद में नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। तिलवाड़ा बाड़ में मल्लेनाथ जी मेला लगता है। बिल्लाड़ा जोधपुर में कौन सा? आई माता। कौन सी माता? आई माता, जिसके दीपक से क्या होती है, कैसे टपकते थे। और गुजर जाति का क्या है प्रवेश इस मंदिर में, क्या है? निषेध है, ठीक है। सांचौर बाड़ सांचौर जालौर में क्या है? सांचौर जालौर में शिवापुरी शिवापुरी पशु मेला लगता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट जो सवाल की अपन बात करेंगे, ठीक है। देखो क्रांति से सवाल बहुत अच्छे सवाल आ रहे हैं, लेवल के सवाल है, तो क्रांति को क्यों ना अपन पैसे दे में ले लें, छोड़े क्यों, सवाल सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रांति की अपन बात करते हैं, 1857 की क्रांति के समय जयपुर का पीए पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो जयपुर का कौन था भाई? जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था उस समय कौन सा? इड्डन था। कौन था भाई? जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था मेजर इड्डन था, ठीक है। मैकमोशन कहाँ का था कमेंट में बताइए, मैकमोशन कहाँ का था? जोधपुर का था। सावरस कहाँ का था? सावरस कहाँ का था? उदयपुर का था, जिनकी सहायता राजस्थान का प्रथम शासक स्वरूप सिंह ने की थी, ठीक है। मेजर बर्टन, कौन सा बर्टन? जिसका सिर काट के पूरा कोटा शहर के अंदर नारायण पलटन और भवानी पलटन ने घुमाया था, ये कहाँ का है? कोटा का पीए था उस समय, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। कोटा कौन है? बर्जर बटन। सावरस कहाँ का? उदयपुर का। इडन कहाँ का? जयपुर का। मैकमोशन कहाँ का है? जोधपुर का, क्लियर यहाँ तक। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं उदयपुर प्रजामंडल की, ठीक है। इसके बाद में उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? सीधा सा सवाल है, ठीक है। बलवंत सिंह मेहता भी आएंगे, लेकिन उदयपुर प्रजामंडल के अंदर इसकी स्थापना किसने की थी? माणिक्य लाल वर्मा ने की थी। और अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता थे। कौन थे भाई? अध्यक्ष कौन थे इसके? बलवंत सिंह मेहता था, ठीक है। बलवंत सिंह मेहता वही व्यक्ति है जिन्होंने सबसे पहले राजस्थान का जब जो सॉरी भारत का संविधान बना था ना, उस पर सबसे पहले हस्ताक्षर राजस्थान की ओर से हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति था। नहीं समझ में ये बात? मतलब कि राजस्थान का एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने सबसे पहले राजस्थान की ओर से भारतीय संविधान पर क्या किया, हस्ताक्षर किए। कौन था? बलवंत सिंह मेहता। ये सवाल है जो रिट मेंस का पेपर हुआ था अभी, उसमें आया था L1 वालों के, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं जयनारायण व्यास जोधपुर प्रजामंडल से बिलोंग करते हैं, माणिक्य लाल वर्मा कहाँ से? उदयपुर से बिलोंग करते हैं। त्रिलोक चंद्र माथुर कौन सा माथुर? त्रिलोक चंद्र माथुर करौली से बिलोंग करता है। मीठा लाल व्यास जैसलमेर प्रजामंडल से बिलोंग करता है। और मेगाराम वैद्य कमेंट करके बताइए कौन से प्रजामंडल से बिलोंग करता है, संस्था कहाँ कहाँ का है, क्लियर है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं गोकुल बाई भट्ट। देखो गोकुल सॉरी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की? गोकुल बाई भट्ट ने की थी। कब की थी? 1939 के अंदर की थी। कब की थी? 1939 के अंदर की थी। कुछ प्रजामंडल जो जिनकी स्थापना 1939 के अंदर की थी, कौन कौन से? कोटा, किस करो सिरोही, कोटा, किशनगढ़, करौली और सिरोही। इन प्रजामंडलों की स्थापना कब की गई थी? 1939 के अंदर की गई थी। 1938 के अंदर सर्वाधिक प्रजामंडलों की स्थापना की गई थी। 1936 के अंदर राजस्थान का एकमात्र प्रजामंडल जो राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल भी है, जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता के अंदर की गई थी। कौन सा? बीकानेर प्रजामंडल, ठीक है। इसका संस्थापक कौन है? मेगाराम वैद्य, क्लियर यहाँ तक। इसके बाद में राजस्थान का जो सबसे प्राचीन प्रजामंडल स्थापना 1931 में जयपुर की गई थी, क्लियर है। देखो नेक्स्ट अपन सवाल की बात करते हैं। इसके अलावा देखो ये सवाल अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है कि किस सेवा समिति की सिफारिश पर है राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया था? मतलब प्रथम संघ में आने वाली रियासतें कौन सी थी? ए बी सी डी। कौन सी? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। मतलब पूर्वी राजस्थान के अंदर जितनी भी रियासतें आने जो जो मेवाती इलाका है इनके अंदर जो भी रियासतें आ रही थी इनका नाम मत्स्य संघ किस किस सेवा समिति की सिफारिश पर रखा गया था? तो कौन सी सेवा समिति की सिफारिश पर रखा गया था? के एम मुंशी सेवा समिति की सिफारिश पर रखा गया था, क्लियर है यहाँ तक। के एम मुंशी सेवा समिति की सिफारिश पर यह नाम रखा गया था, क्लियर है। इसके बाद में बात करते हैं अपन, देखो मेवाड़ शासकीय कुलदेवी कौन सी है? मेवाड़ शासकीय कुलदेवी कौन सी भाई? बाण माता है। कौन सी माता है? बाण माता है, ठीक है। चामुंडा माता जोधपुर के राठौड़ वंश की कुलदेवी, ठीक है। जोधपुर में कौन सा वंश था?
थोड़ा वंश था। और उदयपुर में कौन सा है, मेवाड़ के अंदर, यहाँ पर सिसोदिया है गुहिल वंश था, ठीक है, मेवाड़ के गुहिल वंश थे। मेवाड़ में कौन सा, गुहिल वंश या सिसोदिया वंश था, ठीक है। करणी माता कौन सी, चारणों में कुल देवी भाई, ठीक है। बीकानेर के राठौड़ की, बीकानेर का जो राठौड़ है उसकी भी कुल देवी कौन सी है, करणी माता हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आशापुरी माता, बड़ोच कौन सा, बड़ोच नाडोले और पाली के चौने कुल देवी कौन सी हो जाएगी, आशापुरी माता हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, आशापुरी माता हो जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं, देखो कौन सी हवेली, बागोर हवेली, बागोर हवेली स्थित है। बागोर हवेली कहाँ पर है भाई, ये स्थित है भाई उदयपुर के अंदर। उदयपुर के अंदर पिछड़ा जेल है कौन सी है, जिनका निर्माण पिच्छू नामक है या चिड़ीमार चित्र चित्र नामक है, चिड़ीमार बंजारे ने अपने बैल सूरमा और महासूरमा की याद में, सूरमा और महासूरमा की याद में इस जेल का निर्माण करवाया था। कौन सी, पिछला जेल का, देखो इस प्रकार से क्या है, ये पिछला जेल है, निर्माण किसने किया करवाया था पिछला जेल का, पिछला जेल का निर्माण पिच्छू या चित्र नामक चिड़ी नाम बंजारे ने अपने बैल महासूरमा की याद में करवाया था। उसके पास में दो बैल थे, सूरमा और महासूरमा, महासूरमा क्या होगी, मृत्यु होगी, उसकी याद में किसका निर्माण करवा दिया, पिछला जेल का निर्माण करवा दिया। पिछला जेल के पास में गलकी नटनी का चबूतरा है, कौन सा है, गलकी नटनी का चबूतरा है, ठीक है। इसके अलावा पिछला जेल के पास में और क्या है, पिछला जेल के पास में जगत मंदिर स्थित है, जगदीश मंदिर जिसमें सपनों में बना मंदिर कहते हैं, जिनकी मूर्ति जगत सिंह लेकर आए थे डूंगरपुर से, ठीक है, एक पीपड़ी के नीचे से उठाकर लेके आए थे और यहाँ पर लाके क्या कर दी, स्थापित कर दी गई थी, ठीक है। और 1857 की क्रांति के समय जो कि रुग्गाराम के घर, सॉरी सॉरी सॉरी, जब राजस्थान का किसान आंदोलन चल रहे थे, ठीक है, जब राजस्थान में, सॉरी 1857 की क्रांति हुई थी, ये थोड़ी सी 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय क्या हुआ था कि मेजर सावरस ने क्या लगाई थी, गुहार लगाई थी, किससे लगाई थी, कि स्वरूप सिंह से गुहार लगाई कि 1857 की क्रांति के समय 40 अंग्रेज परिवारों क्या कर लिया है, रुग्गाराम के घर क्रांतिकारियों ने क्या कर लिया है, कैद कर लिया, इनको छुड़ाने के बाद में इनको कहाँ पर शरण दी गई थी, इस पिछड़ा जेल के पास में बने जग मंदिर के अंदर शरण दी गई थी। इसके अलावा जग मंदिर को देखकर एक विचार और भी है, शाहजहां को ताजमहल बनने का विचार आया। एक बार क्या होते, शाहजहां घूमने के लिए कहाँ आ गए, अपने पापा से नाराज थे, तो शाहजहां कहाँ पर, राजस्थान घूमने के लिए अपने दोस्त करण सिंह के पास में आ गए। करण सिंह ने क्या करवाया इसको, कहाँ क्या दिखाया, जगत मंदिर, जगदीश मंदिर दिखाया। तो जगदीश मंदिर देख कर इनका दिल पानी पानी हो गया, बोला कि भाई साहब आपने ये कैसा मंदिर बनाया, ठीक है, तो क्या कि आपने तो इस मंदिर को बनाने के लिए ट्रेनों का यूज किया है, हमने क्या करेंगे, हम जब ताजमहल बनाएंगे तो क्या सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के जो मकराना का जो संगमरमर है इनसे बनाएंगे, ठीक है। तो ताजमहल बनाने की जो प्रेरणा कहाँ से मिली थी, किसको, शाहजहां का, वो भी इस जगत मंदिर से मिली थी, जग मंदिर से मिली थी, क्लियर यहाँ तक। इसके बाद में अपन नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, दे अलवर के बहरोड कस्बे की कुलदेवी, देखो भाई ये सवाल है, ये इंपॉर्टेंट आपको देखने में छोटा लग रहा है कि बहरोड कस्बे की कुलदेवी कौन पूछता है, भाई पूछता है 2019 के अंदर लैब का पेपर हुआ था, लैब असिस्टेंट का, उसमें ये सवाल आया था, मेरे ये क्या है गलत है, इसलिए मेरे को पता है, ठीक है। अलवर के बहरोड कस्बे की कुलदेवी कौन सी है, जिलानी माता, कौन सी माता, जिलानी माता, सुगाली माता, सुगाली माता कौन सी है, आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावती कुलदेवी कौन सी थी, सुगाली माता थी, जिसके 10 सिर और 54 हाथ थे। और अंग्रेजों ने जब इस माता की मूर्ति लूटने की कोशिश की थी, लूटने की कोशिश क्यों कर रहे थे, कि आवा के अंदर जो क्रांतिकारी है ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, अग्रेसिव लग रहे थे, तो अंग्रेजों ने सोचा कि कहीं ना कहीं इस माता का हाथ है, ये माता कर रही है हमारे सैनिकों को, हमारे जो अंग्रेज अधिकारी इनको मरवा रही है, तो क्या करो सबसे पहले इस माता की मूर्ति को क्या कर दो, इसको कैद कर लो, ठीक है। तो इस मूर्ति को वहां से उठाया और अजमेर के अंदर लेकर क्या कर लिए, कैद कर लिया। वर्तमान के अंदर ये मूर्ति वापस कहाँ पर रखी, पाली संग्रहालय के अंदर रखी है। ये बीड़ा किसने उठाया था, जो वर्तमान से पहले जो वसुंधरा का राज था, वसुंधरा शासन काल था, उसने क्या करवाया, इस माता की मूर्ति वापस कहाँ पर रखवाया था, जो पाली संग्रहालय के अंदर रखवाया था, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वाला बात करते हैं, देखो देखो गजरारी, गजरारे तेरे काले काले रहना, एक गाना आया था पहले, ठीक है, तो गजरा आभूषण पहना जाता है, गजरा रे तेरे काले काले रहना, ठीक है। तो गजरा जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है, ये बांधा जाता है, कहाँ पर पहना जाता है भाई, ये हाथों में पहना जाता है, ठीक है। गजरा कहाँ पर पहना जाता है, हाथों में, सारी कलाई में पहना जाता होगा, ठीक है, मेरे से ज़्यादा लेडीज़ को पता होगा, महिलाओं को ज़्यादा पता होगा, लेकिन मेरे ख्याल से हाथ में पहना जाता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट सवाल की अपन बात करते हैं, कौन सा काकमुखी के नाम से कौन से दुर्ग को जाना जाता है, यानी काकमुखी कौन सा मुखी, काकमुखी दुर्ग कौन से दुर्ग के नाम से, गढ़ चिंतामणि,
काकमुकी, ये सूर्यगढ़, ये कौन से दुर्ग के नाम है, ये कौन से दुर्ग के नाम है, ये मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के नाम है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? इसके बाद में नेक्स्ट सवाल है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम के अंदर आता है, ठीक है? इसकी अपन बात करें, संत पीपा की छतरी कहाँ पर है? क्वेश्चन क्या है? संत पीपा, कौन सा पीपा? संत पीपा, ठीक है? इसका बचपन का नाम क्या था? प्रताप सिंह था। क्या था? संत पीपा का बचपन का नाम था प्रताप सिंह था। इन्होंने क्या की थी? ये दर्जी समुदाय के क्या है? आराध्य देवता। संत पीपा किसके है? दर्जी समुदाय की आराध्य देवता है, ठीक है? और गायों के रक्षक देवता भी यही है। इसके अलावा संत पीपा ने क्या किया? इन्होंने बहुत सारे साधनाएं की थी। क्या की थी? तो बहुत सारी साधनाएं की थी। तो पहले इसका बचपन का नाम तो क्या था? प्रताप सिंह था, लेकिन बहुत सारी साधनाएं करने के बाद में इसका नाम क्या हो गया? पीपा हो गया। क्या हो गया? पीपा हो गया, ठीक है? इसलिए साधनाएं कम करनी चाहिए, ठीक है? क्लियर है? ठीक है, तो संत पीपा की छतरी कहाँ पर है? संत पीपा की छतरी गागरौन दुर्ग झालावाड़ के अंदर है, ठीक है? संत पीपा की छतरी कहाँ पर है? गागरौन दुर्ग झालावाड़ के अंदर। गागरौन दुर्ग आऊ और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ एक जल दुर्ग है, ठीक है? कौन सा दुर्ग है? जल दुर्ग या औद्योग दुर्ग है? निम्न में से कौन सा एक औद्योग दुर्ग है? औद्योग का मतलब भी जल दुर्ग होता है, क्लियर है? इसके बाद में समदड़ी बाड़मेर के अंदर क्या है? संत पीपा का मंदिर है। देखो अपन बात करें गागरौन दुर्ग, ठीक है? गागरौन दुर्ग में क्या है? संत पीपा की छतरी है। गागरौन दुर्ग में तो क्या है? संत पीपा की छतरी है, ठीक है? इसके बाद समुद्री बाड़मेर में क्या है? संत पीपा का मंदिर है, टेम्पल है भाई इसमें, ठीक है? समुद्री बाड़मेर में क्या है? संत पीपा का मंदिर है। कौन सी नदी के किनारे है? सूकड़ी नदी के किनारे। कौन सी नदी है? नदी भी ध्यान रखनी है। कौन सी नदी के किनारे है भाई? सूकड़ी नदी के किनारे, ठीक है? इसके बाद टोडाराशन टोंग के अंदर क्या है? ये भाई साहब संत पीपा की गुफा है। क्या है? यहाँ पर गल्प है, गुफा है। संत पीपा क्या है? गुफा है, ठीक है? टोडाराशन टोंग के अंदर। क्लियर है? ये सवाल के सभी डाउट क्लियर होंगे, क्लियर हो गए होंगे, ठीक है? क्लियर है? देखिए इसके बाद में आपकी से एक ही विनती है कि इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगानी है? आग लगानी है, मार्केट में फैलाना, ठीक है? हर बच्चे का इसमें किसी न किसी को फ़ायदा मिले तो अच्छी बात है, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। यह सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ, कोई ना कोई वैकेंसी के अंदर आई हुई है और आने की 100% इसकी संभावना रहेगी। थैंक यू।